हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको अहमदाबाद टू मुंबई जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसका पूरा डिटेल दूंगा और पैकेज C6 पे ले जाऊंगा, जहां पर किस तरह से काम किया जा रहा है और यहां पर कौन कौन से एक्टिविटी चल रहा है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और कौन कौन सी एक्टिविटी अभी करंटली रनिंग में है, तो उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। ये प्रोजेक्ट कब तक कम्प्लीशन हो जाएगा उसका पूरा डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडोदरा में पैकेज C6 का अपडेट देने से पहले मैं आपको अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये टोटल 508 किलोमीटर का रूट है, जिसमें 12 स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और ये स्टेशन का कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे किया जाएगा उसके लिए मैं आपको ये मैप में दिखा देता हूँ कि यहाँ यहाँ पर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और इस 508 किलोमीटर के रूट में 468 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक रहेगा और 27 किलोमीटर थ्रू टनल जाएगा, जिसमें से 7 किलोमीटर अंडर द सी है और 13 किलोमीटर ओवर द ग्राउंड रहेगा। लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम होने की वजह से ही इसे बहुत सारे सेक्शन में एलिवेटेड रखा गया है। ये रूट मेजर दो स्टेट में से होकर जा रहा है, 348 किलोमीटर गुजरात और 155.76 किलोमीटर महाराष्ट्र से, और 4.3 किलोमीटर यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली से भी होकर गुजरेगा। गुजरात स्टेट में 95% लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर सिविल पैकेजेस भी अवार्ड कर दिए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 23% लैंड एक्विजिशन ही कंप्लीट हुआ है। महाराष्ट्र में भी जब 70-80% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर भी सिविल पैकेजेस अवार्ड कर दिए जाएंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ पैकेज C6 पर, जो अहमदाबाद टू वडोदरा के बीच में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में भी एक स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और ये पैकेज कहाँ पर बनाया जा रहा है उसका गूगल लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं कि इसे कंस्ट्रक्शन कहाँ पर किया जा रहा है। इस साइन बोर्ड में आप पैकेज C6 का पूरा डिटेल देख सकते हैं। ये अहमदाबाद से वडोदरा के बीच में बनाया जा रहा है, 87 किलोमीटर का पैकेज है और इसका कंस्ट्रक्शन L&T द्वारा किया जा रहा है। अहमदाबाद में दो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, एक साबरमती पे किया जाएगा और दूसरा कालूपुर पे किया जाएगा। अहमदाबाद में एक जंक्शन बनाने का प्लान है, जिसमें अहमदाबाद मेट्रो और बुलेट ट्रेन को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा स्टेशन के थ्रू। वडोदरा में एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 को बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म में अपग्रेड करने का प्लान है। यहाँ के लोकेशन की बात करें तो ये वडोदरा सेक्शन में धोतका विलेज में आता है। अभी यहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है और कौन सी एक्टिविटी करंटली में रनिंग में है तो मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर पाइल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके लिए बेसिक सेटअप किया जा रहा है, और यहाँ पर किस तरह से पाइल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसका बेसिक डिटेल देने की कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहें। आप यहां पर टॉप व्यू से देख सकते हैं, अभी यहां पर मैट मशीन द्वारा पाइल का बोर किया जा रहा है। यहां पर मैट मशीन द्वारा अकॉर्डिंग टू ड्राइंग डेप्थ आपको बोर करना होता है। बोर डेप्थ कंप्लीट हो जाने के बाद केज लोडिंग किया जाता है। केज एक रेनफोर्समेंट का केज बना होता है, उसे किस तरह से लोअर किया जाता है उसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, और यहाँ पर बोर किस तरह से किया जाता है, आप पाइल कंस्ट्रक्शन पर पूरा एक डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैट मशीन द्वारा बोर किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग डेप्थ बोर कंप्लीट हो जाने के बाद केज लोअरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं केज बाइंडिंग करके कंप्लीट है। अभी मैं आपको यहां पर इसके बेसिक रेनफोर्समेंट का डिटेल ना बताकर इसके स्पेशल फीचर के बारे में बताता हूं। आप यहां पर 35 mm के 3 स्टील पाइप देख सकते हैं और एक 75 mm का पाइप देख सकते हैं। इस तरह के पाइप पाइल में क्रॉस हॉल सोनिक लॉजिंग टेस्ट के लिए दिए जाते हैं, और ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं।
इसमें किस तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाया जाता है, और ये पाइल का साउंडनेस के लिए, पाइल के कंक्रीट साउंडनेस के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, और पाइल का कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद पाइल कितना लेंथ का है उसको डिटरमाइन करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट को किस तरह से साइट पे कंडक्ट किया जाता है उसको मैं फ्यूचर अपडेट में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यह टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। इस स्ट्रेच में काम के प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पर अभी लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है और पाइल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, और इस ट्रैक के बन जाने के बाद ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर रहेगी, और मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो 350 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर ट्रेन सभी 12 स्टेशन पर रुक कर जाती है तो ये 508 किलोमीटर की दूरी अहमदाबाद टू मुंबई 2 घंटे 50 मिनट में तय कर पाएगी, और ये ट्रेन अगर 4 मेजर स्टेशन पर ही रुकती है, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और मुंबई, तो ये 508 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 7 मिनट में तय कर पाएगी। अकॉर्डिंग टू नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक 95% गुजरात में लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है। साबरमती टू वापी 351 किलोमीटर का लैंड एक्विजिशन का काम 95% कंप्लीट हो चुका है, और महाराष्ट्र में आ रही लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है इस प्रोजेक्ट को अलग अलग फेज में खोला जाए। जैसे साबरमती टू वापी 351 किलोमीटर का फेज़ अगर महाराष्ट्र में टाइमली काम शुरू नहीं होता है तो इसे इस फेज़ को पहले खोला जा सकता है, और इस पे बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन भी किया जा सकता है। 1 से 1.5 साल का बुलेट का ट्रायल रन होगा, उसके बाद ही पब्लिक कमीशनिंग किया जाएगा। ये इंडिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे ट्रैक होगा, इसे सभी क्वालिटी पैरामीटर पर चेक किया जाएगा, उसके बाद ही पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। तो अगर गुजरात का सेक्शन पहले कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर 1 से 1.5 साल तक ट्रायल रन किया जाएगा, उसके बाद इसे पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम के साथ ही इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी होंगे। वहाँ पर 27 किलोमीटर का इंडिया लॉन्गेस्ट टनल है, जिसमें 7 किलोमीटर सी के अंदर से होकर जाएगा, तो इस तरह का टनल इंडिया फर्स्ट सी टनल होगा। इस तरह का टनल कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा, और इसका कंस्ट्रक्शन मुंबई के थाने क्रिक में किया जाएगा। बुलेट ट्रेन के ट्रैक के विड्थ की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड गेज के विड्थ का यूज़ किया जाएगा 1435 mm, जो अहमदाबाद मेट्रो और मुंबई मेट्रो और दिल्ली मेट्रो में भी सेम ट्रैक का यूज़ किया गया है। इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसमें 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ की अनुमानित लागत आएगी, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपीज़ जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा फंडेड होगा, जिसे 0.1% इंटरेस्ट रेट पर दिया गया है, और इंडिया को 50 ईयर के टाइम पीरियड में इसे वापस से रिटर्न करना होगा, और रिमेनिंग कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट और गुजरात स्टेट द्वारा लगाई जाएगी। अहमदाबाद से मुंबई अगर बुलेट ट्रेन में आप सफ़र करेंगे तो उसके फेयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज आपको जो पैसा फर्स्ट क्लास एसी में देना पड़ता है उसका 1.5 टाइम्स लगेगा। इस वीडियो में दिया गया डाटा टेंटेटिव है, अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेज ये डाटा वेरी कर सकता है। इस तरह के वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव है कि आप लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन में हो रहे डेवलपमेंट को देख पाएँ, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। Thank you so much for watching the video.